ओडीओपी उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगा लुलू ग्रुप। एमएसएमई से हुआ एमओयू। लखनऊ डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा कि समझौते के तहत लुलू मॉल में ओडीओपी उत्पादों का मुफ्त में डिस्प्ले किया जाएगा। कारीगरों से सीधे उत्पाद खरीदकर मॉल में बेचे जाएंगे। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अंतर्राष्ट्रीय चेन जुड़ी है। यूसुफ अली ने कहा कि कारीगरों से सीधे उत्पाद खरीदकर विदेशों में निर्यात किया जाएगा। लुलू इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी स्कीम के तहत चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। लुलू मॉल इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में भी सहयोग करेगा। इस संबंध में शहीद पथ स्थित लुलू मॉल में प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सच्चा ने लुलू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एम ए यूसुफ अली की उपस्थिति में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई डॉक्टर नवनीत सहगल और लुलू के निदेशक अन्नत एवी के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। 45 दिन के अंदर ओडीओपी उत्पादों की पहली खेप विदेशों में भेज दी जाएगी। इस अवसर पर सचान ने कहा कि ओडीओपी योजना के साथ लुलू ग्रुप से जुड़ने से छोटे छोटे कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा। लुलू मॉल कई देशों में होने से ओडीओपी उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केटिंग भी होगी। इससे स्थानीय पारंपरिक कारीगरों को फायदा होगा तथा उनके उत्पादों का सही दाम भी मिलेगा। राज्य सरकार का यह कदम ओडीओपी को वैश्विक पहचान दिलाने में मददगार होगा। एमएसएमई मंत्री ने मॉल में ओडीओपी डिस्प्ले सेंटर का निरीक्षण भी किया गया। डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा कि समझौते के तहत लुलू मॉल में ओडीओपी उत्पादों का मुफ्त में डिस्प्ले किया जाएगा। कारीगरों से सीधे उत्पाद खरीदकर मॉल में बेचे जाएंगे। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अंतर्राष्ट्रीय चेन जुड़ी है। यूसुफ अली ने कहा कि कारीगरों से सीधे उत्पाद खरीदकर विदेशों में निर्यात किया जाएगा। खासतौर से यूरोपियन देशों में ओडीओपी के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी लुलू मॉल में सिद्धार्थनगर का सुप्रसिद्ध काला नमक चावल, आजमगढ़ की ब्लैक कॉफी और गोरखपुर के टेरा कोटा समेत विभिन्न उत्पादों की बड़ी रेंज उपलब्ध है।